वैसे तो स्ट्रेस किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर देखा यह जाता है कि तनाव या स्ट्रेस या टेंशन जिसे हम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा एक एज ग्रुप में होती है जिसे 18 से 25 वर्ष की उम्र में गिना जाता है, क्योंकि इस उम्र में डिसीजन लेने की एबिलिटी कम होती है, वास्तविकताएं कम पता होती हैं और हम हर चीज़ को नए तरीके से देखते हैं और उससे हमें टेंशन हो जाती है। लेकिन जब परिपक्वता आती है, एक एज आ जाती है, उसके बाद हमारे अंदर बहुत समझदारी आ जाती है और हम हर स्थिति से सामना करने के लायक बन जाते हैं। तो अगर आपकी एज 18 से 25 के बीच है, इस एज में आप हैं, ग्रोइंग एज में आप हैं, और अगर आपको टेंशन हो रही है, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो टेंशन के बहुत सारे कारण होते हैं। सिंपली हम इसको समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी काम को करने में फेल्योर फील करते हैं, तभी वहाँ से ही टेंशन स्टार्ट होती है। यानी जहाँ पर कोई भी काम करने में हम अक्षम हैं, हम उसे नहीं कर पा रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं और हम उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तभी वहाँ से टेंशन शुरू होती है और धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाती है स्ट्रेस में, और फिर स्ट्रेस लंबे समय तक रहने पर वो कन्वर्ट हो जाता है डिप्रेशन में। तो टेंशन का जो सबसे मेन कॉज है वो ये है कि जब हम किसी काम को करने में फेल्योर फील करते हैं, ये सोचते हैं कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, और वहीं से टेंशन शुरू हो जाती है। तो टेंशन के बहुत आसान तरीके हैं इसको रिमूव करने के, कि जब भी कभी टेंशन होती है तो हम कुछ स्टेप से अगर उनको फॉलो करें तो हम इससे आराम से निपट सकते हैं। आइए जानते हैं। जब भी कभी हमें टेंशन होती है तो हम या तो अपने आप को कोसते हैं, या फिर उस स्थिति को कोसते हैं, या फिर उस काम को कोसते हैं जिसको हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं या जिसमें हम सक्षम नहीं हैं, और इसी में हमारा दिमाग लगा रहता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इसे कर नहीं पा रहा हूँ, या ये काम मेरे लायक नहीं है, या मैं सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे मदद नहीं मिल पा रही है। हम बस इसी चीज़ों में उलझे रहते हैं और दोषारोपण करते रहते हैं कि या तो मैं दोषी हूँ या ये काम ठीक नहीं है, और ऐसी स्थिति में उसका सोल्यूशन निकल कर नहीं आता। इसको बहुत आसानी से हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझेंगे, और वो ये है कि जब हमारे पास कोई बुक होती है, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं या मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मेरे पास एक बुक है, मान लीजिए इस तरीके की कोई बुक है, मैं इसे पढ़ता हूँ, और अगर मुझे इसमें जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं, जो भी आंसर्स लिखे हैं, वो मुझे समझ नहीं आते, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको लेकर अपने टीचर के पास जाता हूँ जो कि एक्सपर्ट है, और उस एक्सपर्ट से मिलकर उसे समझता हूँ। और यही प्रोसीजर जब हम अपनाते हैं तो इसी को हम कहते हैं स्कूल जाना या कॉलेज जाना, क्योंकि जो बुक्स हैं वो तो हमारे पास हैं, यानी एक ज्ञान जिसमें सारी नॉलेज है वो हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम उसको लेकर किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं और उससे उसको समझते हैं। जब वो हमें समझाता है तो वही जो आंसर भी उसमें लिखा था, क्वेश्चन भी था, वो हमें आसानी से समझ आ जाता है। इस उदाहरण से बताने का मतलब ये यहाँ पर ये है कि जब हमें कोई भी समस्या होती है तो हमें उस समस्या से रिलेटेड किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, तो हमारी टेंशन जो है, वो जो हमारा तनाव है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर हमारे पास एक बुक है और उस बुक को लेकर हम किसी एक्सपर्ट से ना मिले, हम तो ये सोचे नहीं, हमारे पास तो सारा ज्ञान है, हमारे पास तो सारे आंसर्स हैं इस बुक में, या फिर हमने जो उसकी जो गाइड होती है वो खरीद रखी है, हमारे पास उसमें है, एक्सरसाइज बुक है हमारे पास, हम तो उससे कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम उससे अकेले नहीं कर पाते हैं, हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, जब वो हमारी मदद करता है तो हम उसे आसानी से कर लेते हैं। तो अगर कोई समस्या हमारे लिए सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट को कैसे हम सॉल्व करेंगे, हम किसी एक्सपर्ट से मिलेंगे। हम जब किसी एक्सपर्ट से मिलेंगे तो वो क्या करेगा, वो हमें उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझाएगा और उसकी सारी जो उसमें उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके क्या मेथड्स हैं, उसके क्या तरीके हैं, जब हमें वो बताएगा तो हम उसे आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे, उसे आराम से कंप्लीट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है जहाँ पर आप फंस गए हैं, आप अपने आप को फेल्योर फील कर रहे हैं, तो आपको उससे जुड़े हुए किसी एक्सपर्ट से मिलना है, और जब आप किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वहाँ से आपको उसका क्लू मिलेगा और उसका वहां से तरीका मिलेगा।
वहाँ से तरीका जब आपको मिलेगा तो आप उसे आराम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि आपकी प्रॉब्लम के लिए आपको कौन मदद कर सकता है, उसके लिए बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं, साथ ही साथ काउंसलिंग सेंटर्स भी हैं जहाँ पर बहुत सारे अच्छे एक्सपर्ट्स बैठते हैं जो कि आपकी इन समस्याओं पर ही काम कर रहे हैं। अब इसमें एक समस्या आपके लिए ये आती है कि आप कहाँ जाएँ, किसको दिखाएँ, इतना महंगा ट्रीटमेंट होता है या फिर दिखाने की ही फीस इतनी ज़्यादा है तो हम इतना पैसा कैसे खर्च करें। हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि इस तरीके के सेंटर्स जो अब स्थापित हुए हैं, जो अब शुरू हुए हैं इस समय पर, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हैं जो कि आपके डिवीज़नल लेवल पर भी हैं या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हैं, वहाँ पर इस तरीके के सेंटर्स हैं जिनको हम मानसिक इकाई कहते हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर काउंसलर्स हैं, काउंसलिंग सेशंस हैं और वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट बैठते हैं जिनसे आप अच्छे से अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है आपकी आप उसका सोल्यूशन पूछ सकते हैं। पूछेंगे क्या आपको वहाँ से सोल्यूशन इटसेल्फ मिल ही जाना है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग सेशन एक बार लेने जाएंगे तो आप अपनी सारी, मैं समझता हूँ कि आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व कर ही लौटेंगे। तो इसलिए अगर आप इस एज ग्रुप में हैं, आपको कोई भी मानसिक प्रॉब्लम है, आपकी कोई टेंशन है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपको फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपके अंदर फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अपने आप को आप समझ नहीं पा रहे, आपको लग रहा है कुछ मुझे कुछ बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है या मैं किसी बीमारी में तो नहीं जा रहा हूँ, तो अगर इस तरीके की कोई भी सोच है जो मोस्टली इस एज में सबसे ज़्यादा होती है और फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड तो सबसे ज़्यादा होती है, जो हमारे पास केस भी सबसे ज़्यादा उसके आते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है, एक सेशन की ज़रूरत है और उसके बाद आपकी ये जितनी भी टेंशन है वो सारी दूर हो जानी है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो स्ट्रेस या तनाव है उसको हम अपने काउंसलिंग सेंटर पर जाकर एक बार वहाँ पर काउंसलिंग सेशन अटेंड करें जिससे कि ये तनाव और ये टेंशन वहाँ से दूर हो। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपनी टेंशन को बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम डेली लाइफ में अगर यूज़ करें तो हम इस समस्या से बहुत आसानी से बच सकते हैं। और उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है, हमें हमेशा नेगेटिव अब नहीं जीना है, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है और किसी भी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखना है। पॉजिटिव देखने का मतलब ये है कि हमें कभी ये नहीं सोचना कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, अगर एक सब्जेक्ट हमारे लिए प्रॉब्लम है तो हम उसको लेकर किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे। हमें ये सोचना है कि हम उसे हल कर सकते हैं। हम क्यों नहीं हल कर सकते भाई, किसी की हेल्प लेके करेंगे। और हमेशा ही ऐसा होता है, सारे लोग बुक्स को लेकर टीचर्स के पास ही जाते हैं, तभी तो हम उसे उसको अच्छे से समझ पाते हैं और तभी हमारे अच्छे नंबर आते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी किसी एक्सपर्ट से लेकर हम बात करेंगे। तो हमें अपनी जो है सोच को वो बहुत पॉजिटिव बनाना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। दूसरा हमारा जो है कि हमें गुस्सा करके प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है। अगर गुस्सा करके प्रॉब्लम सॉल्व होती तो हर बंदा, या मैं खुद कहूँ कि मेरे लिए अगर कोई प्रॉब्लम है और वो सॉल्व नहीं हो रही तो मैं आज ही सारा गुस्सा इकट्ठा कर लेता हूँ और किसी पर भी उतार देता हूँ तो प्रॉब्लम तो सारी सॉल्व हो जानी है। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि गुस्सा करने से प्रॉब्लम सॉल्व तो होगी नहीं और बढ़ जाएगी। तो गुस्सा नहीं करना है, बल्कि उस एनर्जी को इस सोच में लगाना है कि हम कैसे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी जो गुस्से में एनर्जी हम लगाएंगे, उस एनर्जी को हमें उस समस्या को कहाँ कहाँ से वो सॉल्व हो सकती है, कैसे कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, किसके पास मैं जा सकता हूँ, कहाँ से मुझे हेल्प मिल सकती है, किससे मैं हेल्प ले सकता हूँ, मैं मेरे लिए कौन बंदा नज़दीक है, मैं किससे जाके इस बारे में बात करूँ, इस पर अगर हम दिमाग लगाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी। नेक्स्ट हमारा आता है कि बहुत काम रहना है और शांत रहना है। और शांत रहने का मतलब यही है कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम गुस्सा करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, बल्कि हमें ये सोचना है कि हम शांत रहेंगे तभी प्रॉब्लम का हल दिमाग में आएगा, गुस्सा करने से दिमाग में हल हमारे नहीं आएगा। ये बात जो अगली है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर क्षेत्र में, कि व्यायाम और जो योगा है
दैट प्लेज अ मेजर रोल इन अ लाइफ। और मेडिटेशन भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और आज के समय में जहाँ पर लाइफ बहुत हैक्टिक हो गई है, टाइम नहीं है लोगों के पास अपने लिए, तो उस समय में इन चीज़ों पर हमें थोड़ा फोकस करना है। हमें कोशिश करनी है कि या तो हम नॉर्मल, अगर हमारे पास टाइम नहीं तो घर पे थोड़ा सा एक्सरसाइज हम ज़रूर करें, फिज़िकल एक्सरसाइज, और या फिर हम योगा कहीं से भी देखकर, आजकल टीवी पे भी बहुत सारे योगा के चैनल्स हैं, आप उन्हें देखकर कर सकते हैं। नहीं है आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, आप उसको डालिए, टॉपिक क्या करना है आपको, तुरंत आपके सामने आ जाएगा, आप उसको देखकर थोड़ा योगा और मेडिटेशन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे एक एकाग्रता बढ़ती है और टेंशन और स्ट्रेस को रिमूव और कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। उससे दिमाग हमारा थोड़ा सा इधर उधर से हटकर अपने कंट्रोल में आता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम बाहर का कोई भी काम कर रहे हैं, काम चाहे मेंटली हो या फिजिकली, तो हमें थोड़ा योगा पर भी ध्यान देना है। ये बात मैं उन लोगों के संदर्भ में कर रहा हूँ जो स्टूडेंट हैं, लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग बहुत काम करते हैं, वो दिन भर थक जाते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हम कहाँ योगा और एक्सरसाइज करेंगे, हम तो वैसे ही बहुत थक जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए भी अगर वो योगा करते हैं तो योगा में मेहनत नहीं है, बल्कि अपने माइंड को हमें कंट्रोल और अपने जो शरीर है उसको कंट्रोल करने में एबिलिटी हमें मिलती है। तो वो चीज़ अगर हम करते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छी होती हैं। तो एक बार मेडिटेशन या फिर योगा, इन सब चीज़ों पर आप जरूर ध्यान दें। नेक्स्ट है एक संतुलित आहार। संतुलित आहार की तो स्थिति ये है कि मैं समझता हूँ कि जो परसेंटेज अगर निकालें तो हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो असंतुलित आहार की है, संतुलित तो है ही नहीं। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं पढ़ते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, या आप बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हैं, तो प्लीज़ आप दिन में 3 बार का तो खाना खाइए। हम जब बात करते हैं स्टूडेंट्स से जो हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं, साथ ही साथ अगर पेरेंट्स भी आते हैं हॉस्पिटल में, तो वो ये बताते हैं कि वो पेरेंट्स भी 2 ही बार खाना खाते हैं, कभी कभी पेरेंट्स सिर्फ 1 बार खाना खाते हैं। आई कैन बिलीव कि पेरेंट्स जो दिन भर काम करते हैं घर में या फिर बाहर जाके, और वो दिन में 1 बार खाना खाते हैं, तो कैसे उनका शरीर और दिमाग ठीक रहेगा। जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी और फिर वो दूसरे तरीके से व्यवहार को चेंज करेंगी और अल्टीमेटली वो स्ट्रेस में कन्वर्ट होंगी। तो प्लीज़ पर ध्यान दीजिए और दिन में 3 बार का खाना जरूर खाइए। अपनी इच्छाओं और शौक को जरूर पूरा करने की कोशिश करिए। कभी कभी ये भी होता है कि हम लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं और जो हम चाहते हैं कुछ फन करना लाइफ में, वो नहीं हो पाता। लेकिन उसके लिए भी एक समय शेड्यूल थोड़ा सा तैयार करिए कि हमें इतने दिन के बाद यहाँ जाना है, इतने दिन के बाद किसी से मिलने जाना है, इतने दिन के बाद किसी के पास घूमने जाना है, कुछ भी हो जो आसपास जो हम नॉर्मली कर सकते हैं, एक रूटीन लाइफ से थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करना है। अब इतना भी नहीं करना है कि दिन रात घूमते रहना है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल कन्फाइंड हो गए घर में। अगर आप बड़े हैं तो आपको बच्चों का भी ध्यान रखना है, अगर आप छोटे हैं तो आपको ये सोचना है कि आपको आपने किस कितने दिनों से कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, या आप कहाँ किससे मिलने अभी तक नहीं गए जिसको जिससे मिलकर आपको अच्छा लगता है, तो उनको भी करके आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो आगे ये है कि आज के संदर्भ में अगर मैं इसको कहूँ कि आप अच्छे से नींद लीजिए, तो थोड़ा सा मतलब पॉसिबल नहीं लगता लोगों के से अगर हम अपेक्षा करें इसकी, क्योंकि आज के समय में मैं ये देखता हूँ कि लोग 1:30 बजे तक 2 बजे तक मोबाइल चलाते हैं रात में। तो ये जो आँखों पर जो असर डालता है वो तो है ही है, इसका दिमाग पर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, और इससे जो सोचने समझने की एबिलिटी होती है वो कम होती है, जो बेटर डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है वो कम होती है। ऐसे लोग जो रात में ज़्यादा देर तक जगते हैं और जो ज़्यादा देर तक मोबाइल और टीवी देखते हैं, वो अच्छे डिसीजन अपने जीवन में नहीं ले पाते, उनकी ये एबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है उन लोगों की अपेक्षा जो लोग जल्दी सो जाते हैं।
तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि जो भी काम आप दिन में करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन रात सोने के लिए है तो कम से कम सही समय पर आप रात में सोएं, जिससे कि बॉडी रिलैक्स हो, हार्मोन जो हमारे हैं वो सही से सिक्रीट हों, वो भी बैलेंस रहें, क्योंकि नींद अच्छी आने से हार्मोन भी बैलेंस रहते हैं। और जब आप रात में देर रात तक जगेंगे, फिर सुबह आपको उठना है, फिर रूटीन काम करना है, तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और वो भी हमारे व्यवहार में बहुत सारा चेंज लेकर आता है। साथ ही साथ हमारे फिजिकल जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी बहुत सारा चेंज लेकर आ जाता है, तो ये भी एक समस्या को दावत देता है। तो प्लीज़ ऐसा आप ना करें। सामाजिक कार्यों में भाग लेना, सामाजिक कार्यों में भाग लेने का भी ये मतलब नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है आप उठे मुँह उठाए चल दिए, आप हर जगह आपको अटेंड करना है जी, ऐसा नहीं है। बल्कि सामाजिक कार्यों का मतलब ये है कि जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, जहां पर पेरेंट्स अगर नहीं जा पा रहे हैं, उनको कोई काम है, तो आप ऐसा ना सोचिए कि आप बच्चे हैं आप नहीं जाएंगे, आप 17, 18, 19 साल के हो गए आप नहीं जाएंगे, पेरेंट्स को ही जाना चाहिए। तो आपको वहाँ जाना चाहिए, पूरे अपने घर का प्रेजेंटेशन वहाँ पर देना चाहिए कि मैं आया हूँ अपने घर से, तो उससे हमें समाज में खड़े रहने की एक समझदारी आती है। साथ ही साथ खुद इंडिपेंडेंट होकर किसी भी ओकेज़न को अटेंड करने की एक एबिलिटी खुद बिल्डअप होती है, तो वो हमें 10 लोगों से मिलने का मौका देती है, वहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों को दिखाने का मौका देती है, साथ ही साथ लोगों के व्यवहारों को समझने का भी मौका देती है कि लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे ओकेजन्स होते हैं, कैसे हमारे सोशल इवेंट्स होते हैं, उसमें किसकी क्या भूमिका होती है, ये भी सब चीज़ें हम देख कर वहाँ से सीखते हैं। इवन छोटे बच्चों की या फिर युवाओं की बात अगर हम करें, तो जैसे आप हैं, आप अगर ऐसा करते हैं तो आप तो सीखेंगे ही सीखे, जो बड़े लोग होते हैं वो भी बहुत कुछ सीखते हैं वहां जाकर कि आजकल नया क्या हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, दीज आर द थिंग्स, कि अगर हम इनको अपनाएं तो अपने व्यवहार में बहुत सारा चेंज लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों से भी जल्दी चेंज नहीं आएगा और ये सब हमारे लिए काफ़ी नहीं है, तो आपके लिए इन चीज़ों के साथ ही साथ एक मेडिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है हॉस्पिटल में और मेडिकल टर्म में कि आपको सही समय पर सही जांच की अगर जांच मिल जाए और सही समय पर अगर उपचार मिल जाए तो इस समस्या से बहुत जल्दी निजात मिल सकती है। लेकिन मोस्टली होता ये है कि जिन लोगों को भी स्ट्रेस होता है या तनाव होता है, उनको पता ही नहीं होता कि वो स्ट्रेस और तनाव या फिर डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों को हमें एनालाइज़ करना है। अगर हम इस तरीके की समस्या से ग्रसित हैं या हम ऐसा कहीं पर भी फील कर रहे हैं, तो हमें इमीडिएट अपने नज़दीकी जिला अस्पताल में जाकर वहाँ की मानसिक इकाई में संपर्क करना है। वहाँ पर आपको बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी और वहाँ पर आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ काउंसलिंग की भी सुविधा मिलेगी, जो मोस्टली बाहर कहीं प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती। और वहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि वहां आपको पैसे नहीं देने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है, आप आराम से जाकर वहां पर अपना इलाज करा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।